उसके साथ और मैंने आपको नबी की तारीफ बताई थी और मैं आपको बताऊंगी वो चार किताबें किन किन नबियों पे नाजिल हुई हैं। उसके साथ साथ मैं आपको बताऊंगी गारे हिरा और नज़ुले वही के बारे में बताऊंगी। जैसा कि आप जानते हैं चार इस्लामी किताबें जो थी वो किन किन नबियों पर नाजिल हुई हैं, और इसके साथ साथ मैं आपको बताऊंगी गारे हिरा का वाकया। इससे पहले टॉपिक पे चलें, मेरी वीडियो देखने वालों तमाम बहन भाइयों से स्मार्ट रिक्वेस्ट है वो मेरी वीडियो पूरी देखें और मेरा चैनल सब्सक्राइब करो और मेरी वीडियो लाइक करो। और आए चलते हैं टॉपिक की तरफ। नंबर वन तुरात। ये किताब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुई थी। नंबर टू ज़बूर। ये किताब हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुई थी। नंबर थ्री अंजील। ये हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुई थी। नंबर फोर कुरान मजीद। ये हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुई थी। अब मैं आपको बता रही हूँ कुरान मजीद की मालूमात। चलो चलते हैं मालूमात की तरफ। नंबर वन कुरान मजीद के 55 से ज़्यादा नाम हैं। नंबर दो कुरान मजीद में 114 सूरतें हैं। नंबर थ्री कुरान मजीद में 540 रकू हैं। नंबर फोर कुरान मजीद में 36 सूरतें मक्की हैं और 28 सूरतें मदनी हैं। अब मैं आपको बताती हूँ मक्की और मदनी का फ़र्क। मक्की सूरतें वो हैं जो हमारे नबी पर मक्का पे नाजिल हुई। मदनी सूरतें वो हैं जो हमारे नबी पर मदीने में नाजिल हुई। नंबर फाइव कुरान मजीद में 6666 आयत मुबारक हैं। नंबर सिक्स कुरान मजीद में 7 मंजिलें हैं। अब मैं आपको बता रही हूँ गारे हिरा और नज़ुले वही के बारे में। तो चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तन्हाई में अल्लाह ताला की इबादत करना पसंद था, इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का मुकर्रमा के करीब गारे हिना पे जाके गारे हिरा में जाकर तन्हा इबादत करते थे। रमज़ान का पूरा महीना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अकेले गारे हिरा में अल्लाह ताला की इबादत करते हुए गुजारते। एक दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे हिरा में इबादत कर रहे थे कि हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम अल्लाह का पैगाम लेकर आए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा पढ़ें इकरा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैं पढ़ना नहीं जानता। इस तरह हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने 3 मर्तबा कहा मगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तीनों मर्तबा यही जवाब दिया। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ज़ोर से पकड़ कर अपने सीने से लगाया और सूरत हलक की पहली 5 आयतें मुबारक तलावत की।
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी ये आयत मुबारक भी पढ़ी। तो आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी हमारा जो टॉपिक होगा वो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तजारत और नकाह के बारे में होगा। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त होस्ट चंदा को। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़। ऑल द बेस्ट।